सच ही कहा है कि लोगों की शराफत का ना फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब शराफत का रूप बिगड़ता है तो वो एकदम भयानक सा होता है। और अब तो मुझे लगता है कि रब से है दुआ में इबादत के ना सर से ऊपर पानी निकल चुका है। तभी तो डंडा लेकर आज ये हर उस इंसान की क्लास लगाने वाली है जिन्होंने नाक में दम करके रखा है। बेस्ट पार्ट इज उनकी इस मुहिम में नानी भी उनका साथ दे रही है। जी नानी अम्मी, मेरी नानी अम्मी को मारोगे? अरे मारो मारो, झाड़ू से मारो नानी अम्मी, लो इबादत तुम डंडे से मारो, थोड़ा और मारो, जमकर धुलाई करो। रुकिए रुकिए, मेरी बच्ची को। आज वाकई में नानी अम्मी ने बता दिया कि वो कौन है, और बारी बारी से सबको उनकी नानी याद दिला दी। ये जो साजिशें करती रहती हो ना, ये तुम्हारी नाक के रास्ते में निकाली तो मेरा नाम भी हमारा नहीं। अभी तो बहुत पिटाई हो रही है मेरे सारे दुश्मनों की, क्योंकि सब उन लोगों ने इबादत के खिलाफ प्लानिंग की, तो नानी अम्मी ने तो मतलब उनको अपनी नानी याद दिला दी सबकी। अब कायनात और गुलनास कब से इबादत के खिलाफ साजिशें रचते जा रहे थे। ऐसे में नानी अम्मी ने सोचा कि आज तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, और फिर क्या, जमकर बारी बारी से सबकी कुटाई हुई, ऊपर से इबादत ने भी थोड़ा हाथ साफ कर लिया। लगे हाथ मैंने भी थोड़ा सा, क्योंकि नानी अम्मी पे हाथ उठाने वाला था अरमान। अब अरमान नानी अम्मी पे हाथ उठाए, हाउ डेयर ही। भले लंबा जोड़ा है पर इब्बू भी कुछ कम नहीं है, इब्बू और नानी अम्मी मिलके सबकी वाट लगा सकते हैं। अब बस एक ही विलन है जिसकी धुलाई होनी बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन्नत की, क्योंकि वो फिलहाल इबादत के खिलाफ साजिशें रचती हुई नजर आ रही है। अब सुभान इबादत से प्यार करने का ड्रामा जो कर रहा है, ऐसे में मन्नत को जलन तो होगी ही, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों को अलग करना चाहेगी। बस सुभान जो सब चीजें कर रहा है छोटी छोटी इबादत के साथ, इबादत के लिए, जस्ट टू मेक मी जेलस, वो मुझे जेलस कर पा रहा है। ही इज बीइंग सक्सेसफुल और मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं कोई नौकर हूँ। से स्नेहल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।